मानसून को लेकर आईएमडी नया अपडेट लेकर आया है। आईएमडी ने बताया कि भारत में इस बार मानसून सीजन में बादल खूब बरसेंगे। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है और अगस्त और सितंबर तक ला नीना की स्थिति बनने की उम्मीद है। जून से सितंबर में औसतन 87 सेंटीमीटर यानी 106% बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि भारत में 4 महीने के मानसून सीजन जून से लेकर सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जो कि औसतन 87 सेंटीमीटर यानी 106% होने का अनुमान है। 1971 से 2020 तक जो हमारे पास रेनफॉल डाटा है, इसको आधार करते हुए हम रिसेंट ईयर्स में नया लॉन्ग पीरियड एवरेज और नॉर्मल इंट्रोड्यूस किए हैं 2-3 साल पहले, और इस नॉर्मल के हिसाब से 1 जून से 30 सितंबर के बीच में टोटल रेनफॉल पूरे कंट्री का एवरेज होता है 87 सेंटीमीटर। सो आज के पूर्वानुमान यही है कि 87 सेंटीमीटर की 106% प्लस माइनस 5% बारिश होने का संभावना है मानसून सीजन पे। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के दिनों की संख्या घट रही है, जबकि भारी बारिश की घटनाएं थोड़ी अवधि में अधिक बारिश बढ़ रही है, जिससे बार बार सूखा और बाढ़ आ रही है। सो वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र पर एल नीनो की स्थिति मॉडरेट ढंग से है, यानी मॉडरेट एल नीनो कंडीशंस अभी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में प्रिवेल कर रहा है, और अनुमान यही है, पूर्वानुमान यही है कि ये मॉडरेट एल नीनो कंडीशंस धीरे धीरे वीक हो रहा है और बाय बिगनिंग ऑफ मॉनसून सीजन एक न्यूट्रल कंडीशन में परिणत होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। न्यूट्रल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी एनसो कंडीशंस डेवलप होगा बाय बिगनिंग ऑफ मॉनसून सीजन, और फिर जब मॉनसून सीजन में आगे बढ़ेंगे ड्यूरिंग लेटर हाफ यानी अगस्त सितंबर के आसपास, हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ला नीना कंडीशंस डेवलप होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने यहां तक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 1951 से 2023 के बीच के आंकड़ों के आधार पर भारत में मानसून के मौसम में 9 मौकों पर सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि ला नीना के बाद अल नीनो घटना हुई।